5 अगस्त को भारत के अंदर राम जन्म भूमि पूजन के लिए जो प्रक्रिया, जो भूमि पूजन किया गया, वो दरअसल में आरएसएस भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का फासीवादी एजेंडे की ही पूर्ति थी। एक ऐसे दौर में जब पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी के चलते अलग अलग स्तरों के ऊपर लॉकडाउन चल रहा है, तालाबंदी चल रही है, लोगों को उनके जनवादी अधिकारों से उनकी पूर्ति के लिए लोगों को तंग किया जा रहा है, और केवल इतना ही नहीं, जनवादी अधिकारों को उठाने की जो उनका अधिकार है उससे भी महरूम किया जा रहा है, ये हाल ही में पिछले 3 महीने में हमने लगातार देखा। और एक ऐसे दौर के अंदर 5 अगस्त के दिन, ये वो दिन है जब भारत के शासकों ने 2019 में आरएसएस नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार, इसने 5 अगस्त 2019 को अपने सत्ता में आने के 2 माह पूर्व ही ये साबित कर दिया था कि अब उसने भारतीय राज्य के सभी अंगों पर अपना कब्जा कर लिया है। फासीवादी मुहिम ने, संघ भाजपा ने पूरे भारत के राज्य के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। और इसीलिए हमने देखा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को भारत के संविधान के बिल्कुल विरुद्ध जाकर के एक राज्य को यूनियन टेरिटरी के अंदर तब्दील कर दिया, धारा 370 हटाने के नाम पर। आज 2020 में 5 अगस्त का दिन चुनने का, जो राम जन्म भूमि के भूमि पूजन के लिए इस दिन को चुनने का उनका अभिप्राय है कि वो अपने उन कदमों का भी स्मरण करना चाहते हैं, और वो पूरे देश की जनता को, वो पूरे दुनिया के अंदर ये दिखला देना चाहते हैं कि अब भारत के अंदर जैसा भी संघीय ढांचा था, जो भारत का संविधान जिस संघीय ढांचे की, भारतीय राज्य के होने की गारंटी करता था, आज उन्होंने उस संघीय ढांचे के ऊपर भी हमला कर दिया है। क्यों ये राम जन्म भूमि पूजन, ये एक ऐसे दौर में जब कोरोना के चलते लोगों की जीविका खत्म हो रही है, आज महिलाएं संघर्ष के रास्ते पर उतर रही हैं, किसान संघर्ष के रास्ते पर है, छात्र संघर्ष के रास्ते पर है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर कोरोना लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने छात्रों के लिए नई शिक्षा नीति को अमल किया, नई शिक्षा नीति को लागू करने का उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी। और ये नई शिक्षा नीति क्या है? नई शिक्षा नीति दरअसल में शिक्षा व्यवस्था का, शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षा का निजीकरण, और शिक्षा तक आम सामान्य नागरिकों की पहुंच को एकदम कम कर देने की ही प्रारूप है भारत की नई शिक्षा नीति। आज 9 अगस्त के दिन पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन करेंगे, कॉरपोरेट भगाओ खेती बचाओ, खेती का विरोध, खेती को तबाह करने वाले ये तमाम 3 अध्यादेश इसी कोरोना लॉकडाउन के दौरान लाए गए। आज मजदूरों ने, जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ते हुए भारत के मजदूरों ने जो अपने लिए कानून लिखवाए, आज इस कोरोना काल के दौरान, कोरोना लॉकडाउन के दौरान उन खून से लिखवाए गए कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। हम प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली की ओर से ये जो भूमि पूजन किया गया, और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें साष्टांग दंडवत करते हुए जो तस्वीरें नजर आई हैं, वो तस्वीरें दिखाती हैं कि ये केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि दरअसल एक व्यंग्यकार ने उसको सही ही, उसको अपने व्यंग्य चित्र के द्वारा बताया है कि ये भारत की अर्थव्यवस्था है जो औंधे मुंह गिरी हुई है। आज इसीलिए रेलवे को बेचा जा रहा है, आज इसीलिए भारत का डिफेंस क्षेत्र भी बेच दिया गया है। और दरअसल में राम जन्म भूमि पूजन और भारत की जनता की जो सांस्कृतिक समग्रता, जिसको गंगा जमुना तहजीब के रूप में जाना जाता है, ये ताकतें
आज राम जन्म भूमि पूजन के द्वारा ये ताकतें भारत की जनता की इस सांस्कृतिक विरासत, इस सांस्कृतिक एकता को ध्वस्त कर देना चाहती है और जनता के वास्तविक संघर्षों से रोजी रोटी जीविका जमीन जल जंगल जमीन के साधनों से भारत की जनता को भटकाने के लिए उन तमाम संसाधनों को आज ये कॉरपोरेट घरानों के हवाले कर देना चाहते हैं और इस हवाला करने के इस साम्राज्यवादी लूट के खिलाफ भारत की जनता जो बहुसंख्यक जनता जो कि दरअसल में हिंदू धर्म को ही मानने वाली है और उनका हिंदू धर्म भाजपा के हिंदुत्व जो केवल और केवल उच्च जातीय पितृ सत्तात्मक अहंकारवाद और कॉरपोरेटों की सेवा में नतमस्तक है उससे अलग जो भारतीय जनता जिस रूप में धर्म को मानती है उस सवाल को वो समाप्त करना चाहते हैं, उस संघर्ष को व्यापक जनता की संघर्षकारी एकता को खत्म करने की दृष्टि से ही ये फांसीवादी मुहिम चलाई गई है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि भारत की और हम आह्वान करते हैं कि भारत की जनता को वास्तविक सवालों पर संघर्षों के लिए एकजुट होकर बेहतर खेती के लिए, बेहतर खाद्य सुरक्षा के लिए, शिक्षा के अधिकार के लिए, रोजगार के अधिकार के लिए, महिलाओं की वास्तविक समानता के वास्तविक अवसरों के लिए एकजुट होकर संघर्षों का निर्माण करना होगा। और एक बार फिर से ये जो भूमि पूजन किया गया है इसकी कड़ी निंदा करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि भारत के इंसाफ पसंद न्याय पसंद लोग भारत की इस फांसीवादी मुहिम के साथ कतई नहीं खड़े।